सो हेलो एवरीवन, जय हिंद। आप सभी को फिर से स्वागत करता हूं और एक नए कमाल के वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन आर्मी टेक्निकल का ट्रेनिंग के दौरान आपको कितना सैलरी देखने को मिल जाएगा और ट्रेनिंग के दौरान आपको क्या क्या सिखाया जाता है। अगर आपका सपना है इंडियन आर्मी टेक्निकल में जाना और आपका सिलेक्शन हो गया है और आप इंडियन आर्मी टेक्निकल का भर्ती देखना चाहते हो, तो आपको जानना जरूरी है कि आखिर में हमें ट्रेनिंग के दौरान, जब भी हम ट्रेनिंग सेंटर में जाते हैं, तो हमको क्या ट्रेनिंग के दौरान सैलरी मिलता है और कितना तक मिल जाता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो में बन रहे वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग प्लस नॉलेजेबल होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो के जरिए आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा कि ट्रेनिंग के वक्त आपको कितने दिन का ट्रेनिंग दिया जाता है, ट्रेनिंग के दौरान आपको क्या क्या सिखाया जाता है आर्मी टेक्निकल में, और ट्रेनिंग के दौरान आपको कितना सैलरी देखने को मिल जाएगा अभी के डेट के हिसाब से। है दोस्तों, मैं कृष्णा कुमार और आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल टीटीसी ज्ञान पर स्वागत करता हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि जो हमारा चैनल है इंडियन आर्मी इन्फॉर्मेशन के ऊपर बेस्ड है। सो फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग और एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। फ्रेंड्स, यहाँ पे बात करेंगे, आपने अप्लाई करा था, आपने भर्ती इंडियन आर्मी टेक्निकल का देखा और आपका सिलेक्शन हो गया इंडियन आर्मी टेक्निकल में। उसके बाद आपको एज ए रिक्रूट के हिसाब से कोई भी एक ट्रेनिंग सेंटर में भेजा जाता है, वहाँ पे आपको ट्रेनिंग लेना होता है। दोस्तों, ये जो ट्रेनिंग पीरियड होता है दोस्तों, 9 महीने से लेके 1 साल यानी कि 12 महीना तक आपका ट्रेनिंग दिया जाता है। उस ट्रेनिंग के दौरान कई सारे बातें आपको सिखाए जाते हैं, बेसिक ट्रेनिंग होता है, एडवांस ट्रेनिंग होता है, राइट। सो फ्रेंड्स, उसी दौरान जो आपका 9 महीने से लेके 12 महीने का ट्रेनिंग होता है, उसके दौरान आपको क्या सैलरी देखने को मिलेगा, पहले हम लोग बात करेंगे ट्रेनिंग के दौरान आपको इंडियन आर्मी टेक्निकल में क्या क्या देखने को वहां पे मिलेगा, यानी कि क्या क्या सीखने को मिलेगा, इंडियन आर्मी की ओर से आपको क्या क्या ट्रेनिंग दिया जाएगा। दोस्तों, यहां पे आपको मैं क्लियर करना चाहता हूं, जो इंडियन आर्मी का ट्रेनिंग होता है वो 2 फेज में होता है, एक बेसिक ट्रेनिंग फेज में होता है और एक एडवांस ट्रेनिंग फेज में होता है। दोस्तों, यहाँ पे जो इंडियन आर्मी का कोई भी ट्रेड ले लो, पहले बेसिक ट्रेनिंग से वो सभी ट्रेड गुजरते हैं, यानी कि सभी भाई कोई भी ट्रेड में वो अप्लाई करे हो, उनका सिलेक्शन हो गया, चाहे जीडी हो, क्लर्क हो, नर्सिंग असिस्टेंट हो, टेक्निकल हो, ट्रेड्समैन हो, तो पहले आपको बेसिक ट्रेनिंग लेना होता है। फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका जो बेसिक ट्रेनिंग खत्म होने के बाद यहाँ पे एडवांस ट्रेनिंग भी आपको दिया जाता है। दोस्तों, यहाँ पे बताना चाहता हूँ, एडवांस ट्रेनिंग में आपका जो भी ट्रेड आपने सिलेक्ट करा होगा, फ्रेंड्स इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं इंडियन आर्मी टेक्निकल का, तो फ्रेंड्स इंडियन आर्मी का जो टेक्निकल का ट्रेड होता है एडवांस ट्रेनिंग में, उसी रिलेटेड आपको ज़्यादा ट्रेनिंग दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, आई होप आप लोग समझ रहे होंगे, आप जिस ट्रेड में भी अप्लाई करे हो, लेकिन बेसिक ट्रेनिंग सभी का सेम होता है। बेसिक ट्रेनिंग में इंडियन आर्मी का रूल रेगुलेशन, इंडियन आर्मी को कैसे उसके डिसिप्लिन फॉलोअप करें, ये सारे काम सिखाए जाते हैं और बहुत सारे ऐसे हैं वहाँ पर आपको सीखने को मिलेगा। उसके बाद जब एडवांस ट्रेनिंग में आप जाते हो, तो जिस ट्रेड में आप अप्लाई करते हो उसी ट्रेड के हिसाब से आपको एडवांस ट्रेनिंग दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, आइए अब बात कर लेते हैं इंडियन आर्मी का जो टेक्निकल का ट्रेड होता है, ट्रेनिंग के दौरान आपको क्या सैलरी देखने को मिल सकता है 7th पे कमीशन के बाद, यानी कि जब 7th पे कमीशन लागू हुआ, उससे पहले कितना मिलता था और 7th पे कमीशन लागू होने के बाद अभी कितना मिलता है, एक एक्सपेक्टेड रेशियो हम लोग जानेंगे। दोस्तों, मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ, इंडियन आर्मी का जो टेक्निकल का ट्रेड होता है, 7th पे कमीशन लागू होने से पहले आपको अराउंड 8,000 से लेकर 9,000 का एक स्टाइपेंड मिलता था। दोस्तों, यहाँ पे हम लोग ट्रेनिंग के दौरान जो भी पैसा मिलता है आपको, उसको हम स्टाइपेंड कहेंगे, ना कि बल्कि सैलरी कहेंगे, राइट। फ्रेंड्स, 7th पे कमीशन से पहले तो आपको 8,000 से लेकर 9,000 का एक स्टाइपेंड मिलता था। अभी के दौरान जब आपका 7th पे कमीशन लागू हो गया, उसके बाद आपको जो अभी के हिसाब से जो एक्सपेक्टेड हम लोग मानेंगे जो स्टाइपेंड मिलता है दोस्तों, वो 11,000 से लेके 15,000 के बिटवीन में आपको देखने को मिल सकता है आपके ट्रेनिंग के दौरान, राइट। तो फ्रेंड्स, आप मान के चल सकते हो कि आप जब भी ट्रेनिंग ले तो 9 महीने से 12 महीने के दौरान उसमें आपको यही स्टाइपेंड देखने को मिलेंगे 11,000 से लेके 15,000 के अंदर, राइट। तो दोस्तों, आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि ट्रेनिंग के दौरान आपको क्या क्या दिया जाता है ट्रेनिंग, और उसके दौरान आपको क्या सैलरी देखने को मिलता है, यानी कि स्टाइपेंड क्या देखने को मिल सकता है, राइट। फ्रेंड्स, यहाँ पे जब भी आपका इंडियन आर्मी टेक्निकल में 9 से 12 महीने का ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद आपको एक रैंक मिलता है, वो है सिपाही रैंक। फ्रेंड्स, जो आपका पहले सिपाही रैंक में जो सैलरी स्टार्टिंग रहेगा, यानी कि बेसिक पे बोल रहा हूँ, जो आपका पे स्केल रहेगा दोस्तों, वो 21,700 से स्टार्टिंग रहेगा। उसके बाद आपको कुछ अलाउंस मिलते हैं, उसके बाद आपको कई सारे बेनिफिट्स भी मिलते हैं टेक्निकल ट्रेड में। क्यों? टेक्निकल ट्रेड होता है वो एक्स ग्रुप में आता है, इसलिए आपको दूसरे ट्रेड से इसमें ज़्यादा सैलरी देखने को मिल सकता है आपके ट्रेनिंग खत्म होने के बाद, राइट। दोस्तों, आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि ट्रेनिंग के दौरान आपको कितना सैलरी मिलता है और किस तरह से आपको ट्रेनिंग दिया जाता है इंडियन आर्मी टेक्निकल का। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, मन में कोई डाउट है तो हमें कमेंट करके पूछ सकते हो। मैं फिर मिलता हूँ आपको एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून, खुश रहो, जय हिंद।